तो आज की इस वीडियो में हम लोग ले आए हैं आपके लिए कंपैरिजन बिटवीन 350 सीसी एंड 500 सीसी। मतलब दोनों की पावर एंड टॉर्क में काफी ज्यादा फर्क है एंड ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर है स्पेसिफिकली, तो इसमें आपको गोल्डन कलर्स की लाइन देखने को मिल जाती है। ओके सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होगे, मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ले आए हैं आपके लिए कंपैरिजन बिटवीन 350 सीसी एंड 500 सीसी। तो 500 सीसी में बात करें तो अपने पास है स्टैंडर्ड 500 2019 का मॉडल BS4 एंड 350 में बात करें तो अपने पास है गन मेटल क्लासिक 2021 का मॉडल BS6। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो जल्दी से वीडियो शुरू होने से पहले एक लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इंजन की, मतलब एक बुलेट का इंजन ही सबसे बड़ी बात है। तो BS6 इंजन 350 सीसी का आपके सामने सड़क के उस साइड पे है, ये मतलब मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखा इंजन का, तो कुछ इस तरह का साइज है। एंड पावर की बात करें तो अपना 500 सीसी जनरेट करता है 28 की हॉर्स पावर एंड 43 का टॉर्क, 43 न्यूटन मीटर टॉर्क। एंड अगर 350 की पावर की बात करें तो अपना 350 सीसी इंजन करता है 21 HP हॉर्स पावर। तो एंड टॉर्क की बात करें तो ये बनाता है 27 NM ऑफ टॉर्क। तो पेपर पे बात करें मतलब दोनों की पावर एंड टॉर्क में काफी ज्यादा फर्क है। एंड गाइस उसके बाद इंजन से कनेक्टेड आप रॉड देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कोई भी कैटेनेटिक कन्वर्टर नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल सिंपल अपनी बैंड आती है एंड पीछे एग्जॉस्ट आता है। एग्जॉस्ट इसमें चेंज है, शॉर्ट बॉटल मिनी पंजाब हमने लगा रखा है इसमें। एग्जॉस्ट 350 में भी चेंज है, वो भी आपको दिखाता हूँ, पर हम मेन बात देख लो कि इसमें आपको कोई भी कन्वर्टर नहीं देखने को मिलता है। बस इसमें ऑटो सेंसर जो आता है अपने BS6 में आपको सेंसर देखने को मिल जाता है इसकी बेंड पाइप पे। तो क्लासिक की बात करें तो आप क्लासिक पे भी ऑटो सेंसर अपना देख सकते हैं इस तरह से अपनी बेंड के ऊपर, पर बेंड इसमें गाइस चेंज्ड है अपना, नहीं तो जो नॉर्मल BS6 का आता है बेंड वो मैं आपको इमेज लगा देता हूँ, उसमें आप देखो तो अपने सेंटर में कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, आप इमेज पे देख पा रहे हैं। एंड पर हमने इसमें सी बैंड जो कि स्टैंडर्ड की वजह से काफी फेमस है वो हमने अपनी क्लासिक में इंस्टॉल कर रखी है। एंड इसका जो आप एग्जॉस्ट भी देखोगे तो वो भी चेंज्ड है, रेप्लिका एग्जॉस्ट है, मतलब इसमें फिल्टर होते हैं, जालियां होती हैं, पर स्टॉक वाले से थोड़ी कम होती है पर जालियां तो होती है इसमें। जो आप स्टैंडर्ड देख रहे हो आप ये देख रहे हो 2018 मॉडल, जिस वजह से आपको इसमें EFI देखने को मिल रहा होगा, EFI लिखा हुआ, यानी कि ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है। जो इससे पहले 2017 मॉडल तक स्टैंडर्ड आ रही थी 500 सीसी में वो उसके कार्बोरेटर के साथ आती थी, कार्बोरेटर इंजन थोड़ा सा पावर हल्की सी कम बनाता है, पर जो EFI मोटर है उसमें थोड़ा खर्चा ज्यादा आ जाता है, अगर प्रॉब्लम आ जाए आपके फ्यूल पंप वगैरह में तो उसका खर्चा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। एंड अपना कार्बोरेटर वगैरह थोड़ा इजी एंड सिंपल टू यूज होता है। एंड क्लासिक 350 में भी इससे पहले भी BS6 से पहले उसमें कार्बोरेटर ही आता था, पर ये वाली BS6 है इस वजह से इसमें भी अपने को EFI मोटर ही देखने को मिल जाती है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ EFI लिखा हुआ, इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको EFI 350 देखने को मिल जाता है, ये भी EFI मोटर वाली है, इसमें भी कार्बोरेटर नहीं आता दोनों में। एंड गाइस अगर हम लुक्स एंड एस्थेटिक की बात करें तो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो अपनी स्टैंडर्ड है बिल्कुल देसी रॉ बाइक है, मतलब बिल्कुल ही ना आपको इसमें अलॉयज देखने को मिलते हैं। एंड टैंक की भी बात करोगे तो आपको वो हैंड पेंटेड गोल्डन लाइन्स भी देखने को मिल जाती है। एंड इसकी आप लोगों की बात करो तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड का ओरिजिनल लोगो जैसा काफी टाइम से चलता आ रहा है वो आता है। एंड ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर है स्पेसिफिकली, तो इसमें आपको गोल्डन कलर्स की लाइन देखने को मिल जाती है। एंड इधर आप देखोगे तो लोगो बुलेट 500 का कुछ इस तरह से आता है, एम्बलम सा ये 3D है। एंड जो आपने रॉयल इनफील्ड देखा इधर ये भी 3D लोगो ही आता है। एंड ग्रीन कलर की वजह से इसमें आपको गोल्डन लाइंस देखने को मिलती है, नहीं तो जो स्टैंडर्ड 500 है उसमें जो ब्लैक कलर आता है उसमें ब्लैक में गोल्डन लाइन जैसे 350 में आती है वो नहीं आती है, इसके ब्लैक में आपको सिल्वर लाइन्स देखने को मिल जाती है 500 सीसी में। एंड 500 सीसी में एक ग्रे कलर भी आता है, उसमें अगर आप हैंड पेंटेड लाइंस की बात करोगे तो वो ऑरेंज कलर की आती है। एंड अगर हम क्लासिक 350 के एस्थेटिक की बात करें तो कुछ इस तरह से गन मेटल ग्रे कलर है ये स्पेसिफिकली। यहाँ पर आपको एक टैंक पैड भी देखने को मिलता है जो कि मतलब अपनी हम थाई प्लेस करते हैं, वाइब्रेशन थोड़ी कंट्रोल होती है। एंड अगर आप इसकी लोगो की बात करोगे तो ये 3D में नहीं आता है, बस स्टिकर टाइप ही है, इसमें ब्लैक कलर से देखने को मिलता है। एंड साइड बॉक्स की बात करो तो यहाँ पर आपने देखा था 3D एम्बलम आता है एंड यहाँ पे एक सिंपल सा स्टिकर देखने को मिल जाता है क्लासिक 350 के लोगों के साथ। एंड अलॉयज की बात करें तो अपनी 350 में कंपनी फिटेड ही अलॉयज आ रहे हैं विद डुअल डिस्क, इसमें मतलब आपको फ्रंट में भी डिस्क देखने को मिल जाती है एंड रियर में भी डिस्क देखने को मिल जाती है, ये रही अपनी रियर डिस्क। एंड इसमें अपने को देखने को मिल जाता है डुअल चैनल ABS, अपने को सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क देखने को मिल जाती है इस साइड से, आप देखो ये आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाती है एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलती है सिंपल पुरानी वाली। अगर आप सीट की बात करोगे तो कुछ इस तरह की अपनी स्टैंडर्ड की सीट आ जाती है,
एंड जो बैकरेस्ट देख रहे हो ये सिर्फ पर्टिकुलरली अपने 500 सीसी मॉडल में ये वाला बैकरेस्ट देखने को मिलता है, नहीं तो अगर आपने 350 स्टैंडर्ड देखी होगी तो उसमें ये वाला बैकरेस्ट नहीं आता है, ये सिर्फ 500 में आता है। एंड इसमें हमने सीट कवर भी डाल रखा है जिससे थोड़ी बेटर हो जाती है कुशनिंग इस तरह से, एंड कुछ इस तरह से लाइंस वाली है। एंड इस लाइंस की हेल्प ये होती है कि अगर बारिश वगैरह में आपकी बाइक खड़ी रहती है तो पानी लाइंस में से थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो अगर हम अपनी क्लासिक की बात करें सीट्स की, तो कुछ इस तरह से इसका राइडर सीट अलग आता है एंड पिलियन सीट अलग आता है, दो मतलब फिर स्प्लिट सीट्स आ जाती है अपनी इसमें, जो कि थोड़ा बेटर कर देता है सीटिंग को। एंड इसमें एक ये बात है कि अगर आपको क्लासिक सिंगल सीट पसंद आती है तो आप इसकी सिंगल सीट काफी आराम से कर पाते हैं, क्योंकि जो इसमें ये पिछली सीट अलग है, मतलब मैंने बताया ना स्प्लिट सीट है तो ये अलग ही आती है एंड इसको बस बहुत आराम से अपनी पिछली सीट निकल जाती है। बट अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको सिंगल सीट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिंगल सीट है, तो अगर आपको सिंगल सीट इतना ही शौक है तो आपको अलग से सीट बनवानी पड़ेगी अपने लिए, अलग से इसको उतार के अलग रख के नई सीट बनवानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बड़ा टास्क है। एंड इतनी मेहनत से अच्छा तो डुअल सीट में एक तो लुक भी अच्छा आता है, क्लासिक सिंगल सीट फिर थोड़ी अच्छी लग जाती है क्योंकि उस रेयर मडगार्ड है वो कर्व में आता है, एंड जो अपना स्टैंडर्ड का रेयर मडगार्ड है वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट आता है, मतलब शेप में थोड़ा डिफरेंट है, तो वो भी काफ़ी फर्क पड़ता है। एंड अगर हम रेयर पे आ जाते हैं अब, तो रेयर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको सीट कवर पे अपने रॉयल एनफील्ड का लोगो एंड यहाँ पर भी एनफील्ड का लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम रेयर लाइट की बात करें तो कुछ इस तरह से अपनी रेयर लाइट स्टैंडर्ड 500 की देखने को मिल जाती है, और गोल वाली बिल्कुल क्लासिक की तरह, एंड इंडिकेटर्स क्रोम में आते हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल लाइट के साइड में। एंड अगर हम टायर की बात करें तो कुछ इस तरह से है इसका रेयर टायर, आफ्टर मार्केट है, जो ऑफ रोड वाला आता है मोटी गुड्डी वाला थोड़ा, वो हमने लगा रखा है। मड गार्ड के नीचे नंबर प्लेट के नीचे अपने को एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। एंड अगर हम क्लासिक के रेयर की बात करें तो कुछ इस तरह से आता है इनफील्ड का लोगो, एंड टेल लाइट इसकी सेम है स्टैंडर्ड वाली, जो अपनी स्टैंडर्ड 350 आती है उसमें थोड़ा रेक्टेंगल शेप का लाइट आता है, पर वो 500 सीसी है तो उसमें नहीं आता है, उसमें राउंड ही आता है क्लासिक इस तरह से। एंड इसमें भी दोनों तरफ क्रोम मिरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड वही इस नंबर प्लेट के नीचे रिफ्लेक्टर। एंड गाइस अगर आप अपने स्टैंडर्ड 500 की मीटर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से अपना मीटर आता है ब्लैक कलर में, एंड इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लाइट या जैसे कि पेट्रोल लाइट एंड इंजन चेक लाइट देखने को मिल जाती है इस साइड पे। एंड हैंडल बार सिंपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्लासिक हैंडल बार से, यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच, नीचे सेल्फ, आवाज सोचोगे स्टैंडर्ड में सेल्फ, यस स्टैंडर्ड 500 में सेल्फ भी देखने को मिल जाता है जो कि 350 में नहीं आता है। एंड यहाँ पर अपने लाइट्स के कंट्रोल, पासिंग लाइट एंड इंडिकेटर्स, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अपनी को चोक देखने को मिल जाती है स्टैंडर्ड 500 की। एंड अगर हम क्लासिक के क्लस्टर की बात करें तो कुछ इस तरह से अपना क्लासिक का क्लस्टर आ जाता है वाइट कलर में, एंड इसमें भी काफ़ी सारी लाइट्स देखने को मिल जाती है, न्यूट्रल लाइट अपना वो सब, एंड ये आ गई आपकी इंजन चेक लाइट एंड फ्यूल लाइट। इसमें बस दोनों में सेम ही वो है सिस्टम कि जब आपका पेट्रोल रिजर्व में लग जाएगा तो आपकी लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। एंड अगर हम फ्रंट की बात भी कर ही लेते हैं चलो, तो गाइस ये रहा अपना क्लासिक का हेडलाइट, इसमें आपको येलो बल्ब भी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर आप टाइगर लाइट्स देखोगे तो इसमें भी आपको येलो ही देखने को मिलता है। एंड इसमें BS6 होने की वजह से इसमें कोई भी हेडलाइट स्विच आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब कंट्रोल्स मिलते हैं, ये रहे आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स, पर आपको ऑन ऑफ करने का बटन नहीं मिलता है, यहाँ पर आता था पहले अब वो नहीं आता है। एंड सेम स्टैंडर्ड में भी आप ऑन करोगे तो इसमें भी आपको येलो लाइट एंड ऊपर LED चेंज करा रखी है, आफ्टर मार्केट है, इसमें भी आपको येलो बल्ब भी देखने को मिलता है। एंड अगर हेडलाइट की बात करें तो ये भी इसमें भी हमेशा ऑन ही रहती है, यहाँ पर आप देखो कोई भी हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन नहीं है। कुछ इस तरह से मेजरली मैं अपनी पूरी बाइक कवर कर चुका हूँ दोनों ही। एंड लास्टली अपनी साउंड रह जाती है, एंड साउंड आपको सुनाते हैं फिर चलो। तो गाइस पहले आपको क्लासिक की आवाज़ सुना देते हैं, आ जाते हैं हम पीछे एग्जॉस्ट के पास, इसमें एग्जॉस्ट एंड बैंड दोनों चेंज है, उसमें खाली एग्जॉस्ट चेंज है 500 में। चलो स्टार्ट करो क्लासिक को, आइडल पे कुछ इस तरह की साउंड है अपनी क्लासिक की। तो कुछ इस तरह की थी अपनी क्लासिक की साउंड। एंड अब हम आ जाते हैं अपना 500 सीसी पे, इसमें अपनी बैंड जो है स्टॉक है पर एग्जॉस्ट चेंज है, मतलब उसमें दोनों चीजें चेंज थी, इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज है। एंड इसकी भी आपको साउंड सुनाते हैं, तरह की थी अपनी स्टैंडर्ड की आवाज़, काफ़ी लाउड है क्लासिक से, बल्कि उसमें दोनों चीज़ें चेंज है फिर भी काफ़ी लाउड है, क्योंकि इंजन के साइज़ में फ़र्क पड़ता है, सीसी में फ़र्क पड़ता है। एंड चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
एंड अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कर ही देना एंड चैनल पे नहीं होगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड मैं ऐसे ही आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।